I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वर्तमान से अतीत की व्याख्या का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ऐसे लोग व्याख्या और विरूपण में अंतर नहीं कर पाते या अतीत में अपने निहित स्वार्थ के कारण अंतर करना चाहते नहीं, किंतु यदि वर्तमान अपने यथार्थ के आधार पर अतीत की व्याख्या ही नहीं करेगा तो उससे लाभ कैसे उठाएगा? कोई वर्तमान अतीत की ओर लौट तो सकता नहीं, वो तो भविष्य की ओर जाने के लिए विवश है। अतीत चाहे जितना आदरणीय हो परंतु उसे जिया नहीं जा सकता। हाँ, अपने वर्तमान को सुधारने के लिए उसे समझने का प्रयत्न अवश्य किया जा सकता है, और ये प्रयत्न करना वर्तमान का कर्तव्य भी है। ये चिंता का एक और विषय है कि बहुत से विद्वान भी कथन और चित्रण को एक ही माध्यम समझे बैठे हैं। कवि तो ये कह देगा कि कुछ सुनकर
कोई पात्र बहुत दुखी या सुखी हुआ, परंतु ये बहुत क्या है? चित्रण के माध्यम को तो ये निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि कवि तो इस सिलसिले में कोई सहायता कर नहीं सकता। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये अधिकार तो सबको है कि वो किसी व्याख्या से सहमत हो या न हो, किंतु व्याख्या को विरूपण कहना तो ठीक नहीं है ना। मैं जो कथा सुना रहा हूं वर्तमान बनकर सुना रहा हूं, इसलिए कथा सुनिए और इसे अपने यथार्थ का वस्त्र पहनाने का प्रयत्न कीजिए। गंगा पुत्र की जय हो, महाराज पधार रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं? आओ पुत्र। प्रणाम ताजश्री। सुखी रहो, आओ मेरे साथ। आओ। यहां बैठो और अब मुझे बताओ कि आज इतने दिनों के उपरांत तुम्हें अपना ये बूढ़ा तात कैसे याद आया? मेरा दुर्भाग्य ये है ताश्री कि स्वयं आप भी मुझे अपने अनुज पुत्रों का शत्रु समझने लगे हैं। मेरे समझने या न समझने का प्रश्न ना उठाओ पुत्र, मुझे तो अब अपने आप पर भी भरोसा नहीं रह गया है। मुझे छोड़ो, क्योंकि यदि मैं किसी गिनती में होता तो दुर्योधन यह मान गया होता कि जिस दिन उसका और अर्जुन का सामना हुआ था उस दिन से महीनों पहले पांडु पुत्रों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। मेरे ही हस्तिनापुर में मुझ पर पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है पुत्र, पक्षपात का, और कोई मेरे बचाव में बोलने वाला नहीं रह गया है। मेरे ये श्वेत केश अब अकेले रह गए हैं पुत्र, बिल्कुल अकेले रह गए। नहीं, ऐसा ना कहिए ताश्री, गांधारी पुत्र भी आपके हैं और कुंती पुत्र भी आपके हैं, और मैं तो आपका सेवक हूं ही। सेवा की आवश्यकता मुझे नहीं है पुत्र, सेवा की आवश्यकता हस्तिनापुर को है, मेरे और तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर हस्तिनापुर को है। तरिक सोचो धृतराष्ट्र, योद्धा युद्ध करते हैं, किसी को विजय प्राप्त होती है तो किसी के भाग्य में पराजय आती है। कोई विजय का ध्वज फहराए हुए अपने घर लौटता है तो कोई वही रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होता है, किंतु नगर किसी वृक्ष की भांति अपनी जड़ों से बंधा वहीं खड़ा रहता है और घायल होता रहता है। अरे उसके भाग्य में तो वीर गति को प्राप्त होना भी नहीं लिखा पुत्र, नहीं लिखा। नगर तो केवल बीती हुई शताब्दियों के मलमों में तपकर गुम हो सकता है। मैं तो कभी कभी यह सोचकर डर जाता हूं कि कभी यह नगर शताब्दियों के मलबे से बाहर निकला और इतिहास ने उससे मेरे विषय में, तुम्हारे विषय में कोई प्रश्न किए तो वो क्या उत्तर देगा? क्या वो कहेगा कि हम लोग अच्छे लोग थे, धर्म के रक्षक थे, कर्मयोगी थे? मैं तो नहीं समझता पुत्र, मैं तो ऐसा नहीं समझता। और मेरा दुर्भाग्य देखो पुत्र, जीवित रहने के लिए विवश, अब मेरे भाग्य में कदाचित सुख का एक क्षण भी नहीं रहा। अरे पुत्र, अब तो पांडवों का अज्ञातवास भी समाप्त हो चुका है, उन्हें बुलाओ, अपनी छाती से लगाओ और उनका ये इंद्रप्रस्थ उन्हें वापस कर दो।
मैं आपसे इसी विषय में बात करने आया हूं ताश्री। मत्स्य देश के उपप्लव्य नगर से पुत्र युधिष्ठिर का पत्र आया है कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के विवाह पर हम लोग अभिमन्यु और उसकी वधु राजकुमारी उत्तरा को आशीर्वाद देने अवश्य आए। युधिष्ठिर का पत्र मेरे पास भी आया है कि तो मैं जाना उचित नहीं समझता, क्योंकि कुछ पता नहीं कि वहां दुर्योधन क्या कर बैठे। पांडवों को वर्षों के उपरांत सुख के अनुभव का एक अवसर मिला है, वहां जाकर उसे भंग न करो पुत्र। मैंने आचार्य द्रोण से भी यही कहा है, वहां द्रुपद होंगे और आचार्य द्रोण और द्रुपद का आमना सामना उचित नहीं है पुत्र, उचित नहीं है। महाराज की जय हो। राजकुमार शिखंडी महाराज के दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। बुलाओ। अभिवादन पिताश्री। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, हमारे निकट बैठो। महाराज युधिष्ठिर का पत्र तो तुम्हें मिल ही गया होगा। जी पिताश्री। परंतु अर्जुन ने मुझे जो पत्र लिखा है उसमें भी यही लिखा है कि यदि हम सब लोग विवाह के लिए उपप्लव्य नहीं गए तो वे लोग ये समझेंगे कि हम उनके पुत्र अभिमन्यु को अपना नहीं मानते, इसलिए हम सबका वहां चलना आवश्यक है। मैं तो ये चाहता हूं कि हम अपनी पूरी सैनिक शक्ति के साथ वहां चलें। हो सकता है कि वहां ये निर्णय ले लिया जाए कि विवाह के उपरांत हम तुरंत हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दें। मैं द्रोण की मृत्यु की प्रतीक्षा में बूढ़ा हो गया पुत्र, बूढ़ा हो गया। जो आज्ञा। मैं भी तो एक युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं पिताश्री। पुत्र, आप तो एक ही जन्म की प्रतीक्षा से थक गए पिताश्री। कभी कभी ऐसी प्रतीक्षाओं के लिए तो एक जन्म भी छोटा पड़ जाता है। जीवन स्वयं एक प्रतीक्षा है। अपने लक्ष्य की ओर भागता रहता है, यदि वो लक्ष्य सामने से हट जाए फिर जीवन दिशाहीन अर्थहीन हो जाता है। इसलिए आप प्रतीक्षा से ना घबराइए पिताश्री। कभी कभी तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती पुत्र, और फिर तुम हमसे कितना अलग थलग रहते हो। जब मैं राजसूय यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ गया था तो वहां पांडवों की बात छोड़ो, वे तो अपने हैं। गंगा पुत्र भीष्म भी तुम्हें पूछ रहे थे। उनसे मिलने के लिए तो मैं स्वयं व्याकुल हूं, परंतु आप चिंता ना कीजिए पिताश्री। जैसे आपने एक विशेष लक्ष्य के लिए दृष्टद्युम्न की कामना की और वो अग्नि से उत्पन्न हुआ, वैसे ही मैं भी एक विशेष लक्ष्य के लिए अपनी चिता की राख से उत्पन्न हुआ हूं। आपने मुझे भगवान से नहीं मांगा, मैं स्वयं आपके घर आया था, और इसका अर्थ ये है कि मेरे लक्ष्य की ओर जाने वाला मार्ग कदाचित यहीं से निकलता है। भ्राताश्री। क्या अनुज? समस्या ये है कि हम लोग इतने वर्षों के उपरांत
माता श्री की सेवा में जा रहे हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या आवश्यकता है शतानीक? क्या माता श्री बताए बिना हमें पहचान लेंगी? पहचान क्यों नहीं लेंगी? माताओं के पास अपने पुत्रों को देखने और पहचानने के लिए एक तीसरी आंख जो होती है, और ये तीसरी आंख तो अपने पुत्रों को पहचानने में भूल कर ही नहीं सकती। फिर भी यदि उनसे हमारा परिचय करवाने के लिए श्री कृष्ण मामा भी साथ होते तो असमंजस की ये समस्या ही न खड़ी होती। अब इसमें तो बड़ा परायापन लग रहा है कि मैं चरण स्पर्श के उपरांत कहूं कि हे माता श्री, मैं अर्जुन पुत्र श्रुतकर्मा हूं। वे तुम्हें ये कहने का अवसर ही नहीं देंगी। फिर भी यदि श्री कृष्ण मामा साथ होते तो अच्छा ही होता। आप तो चिंता ही न करें सुत सोम भैया, यदि आप परिचय न भी दें तब भी आप पहचान लिए जाएंगे कि आप मंजले ताऊ भीम के सुपुत्र हैं। देखो शैतानिक, यदि मैंने नकुल काकाशी से कह दिया कि तुम मुझे सताते रहते हो तो? क्षमा करना भैया। फिर भी समस्या तो वही की वही है कि अपनी माता से अपना परिचय करवाने में असमंजस की स्थिति तो है। मुझे तो वो ठीक से याद भी नहीं भ्राताश्री। चिंता ना करो श्रुतसेन, हम उन्हें भली भांति याद होंगे। चलो। ये तो आपका बड़ा अन्याय है केशव, मेरे पुत्रों को भी अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैंने तो इनसे बहुत कहा दी थी, परंतु ये भला किसी की सुनते हैं? अच्छा, तो अब द्रौपदी से मिल गई? इसमें मिलने न मिलने का क्या प्रश्न है, ये तो स्वयं माँ है, माँ की पीड़ा को माँ ही समझ सकती है ना। 13 वर्षों के वियोग का अर्थ तो आप समझते होंगे देवकी नंदन। तो इसे मेरा निहित स्वार्थ मान लो। भाई से मिलने का स्वाद पुत्रों को मिलने के स्वाद से बिल्कुल भिन्न होता है द्रौपदी, और मैं ये दोनों स्वाद लेना चाहता था। फिर ये कि इस दृश्य से अच्छा तो कोई और दृश्य हो ही नहीं सकता कि स्वयं माता अपने पुत्रों का चुंबन ले रही है, और मैं ये दृश्य चैन से बैठकर देखना चाहता था, इसलिए सुभद्रा को लेकर पहले ही तुम्हारे पास चला आया। और सबसे तो मिला चुके होंगे? नहीं, पुत्रों पर पहला अधिकार केवल माता का होता है। आयुष्मान भवा, तुम्हारे केशों से तो मेरी सुभद्रा की सुगंध आ रही है, तो फिर तुम अभिमन्यु हो। ये क्या घिसा हुआ आशीर्वाद दे दिया द्रौपदी कि आयुष्मान भवा? जो भी चरण स्पर्श कर लेता है वो ये आशीर्वाद तो पा ही जाता है। मुझे अपने भांजे के लिए तुम्हारा ये आशीर्वाद स्वीकार नहीं है, ये यथेष्ट नहीं है। ये एक विशेष व्यक्ति है, इसे कोई विशेष आशीर्वाद दो। तो फिर आप ही बताइए मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? तुम माता हो, त्रिलोक तुम्हारी मुट्ठी में है, जो चाहे दे दो, किंतु कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि लोग पहचान लें कि ये तो द्रौपदी ने दिया हुआ और अभिमन्यु को मिला हुआ आशीर्वाद है। जो आशीर्वाद तुमने इसे दिया वो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तुम तो कोई ऐसा आशीर्वाद दो जिससे क्षत्रियता की सुगंध आती हो। भगवान तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मबल की रक्षा करें। इतिहास सदैव तुम्हारा नाम उसी आदर के साथ ले जिसके साथ वो तुम्हारे पिताश्री का नाम लेने वाला है। हे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम स्वयं ही अपना परिचय बनो और तुम्हारा नाम वीरता का प्रतीक बन जाए। भगवान तुम्हें अपने शेष पुत्रों के लिए कोई आशीर्वाद नहीं बचाओगे कृष्णे?
पुत्र प्रतिविंध्य, ब्राह्मण वाला आशीर्वाद तो दे नहीं सकती, इसलिए यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम धर्मराज के पुत्र हो तो धर्म के काम आओ। किंतु अपने बड़े भैया को पहचाना कैसे माता श्री? जैसे तुम्हारी चंचलता से पहचाना कि तुम शैतानिक हो, वैसे इसके व्यक्तित्व, शील और दृढ़ता से पहचाना कि ये प्रतिबिंब है। बड़े भैया ठीक ही कहा करते थे कि माता श्री के पास तीसरी आंख भी होती है। माता के पास केवल एक तीसरी आंख ही नहीं होती पुत्र सुत्सोम, उसके पास एक और हृदय भी होता है जिसमें केवल उसके पुत्र रहते हैं। देख रही हो ना सुभद्रे, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कक्ष में तुम और हम है ही नहीं। मैं तो चला। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो माधव, तुम भला किसी कक्ष में समा सकते हो? तुम्हारे लिए तो बड़े से बड़ा हृदय भी छोटा पड़ जाए। परंतु ममता से ईर्ष्या तो न करो, मैंने इन छाओं को 13 वर्षों के पश्चात देखा है। जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों की ओर नहीं देखूंगी। कृष्णे, मैं तो केवल ठठोल कर रहा था। माता और पुत्र का संबंध भक्त और भगवान के संबंध से भी कहीं अधिक भरपूर होता है, और यदि ऐसा न होता तो तुम जिसे नारायण कहती हो वो प्रकट होता, जन्म नहीं लेता। इसलिए जी भर के इन पुत्रों का लाड़ करो। मुझे तो इस शुभ विवाह के लिए आए हुए आदरणीय अतिथियों की देखभाल करनी है। ये विवाह भरतवंशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव। चिरंजीवी भव। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती भव पुत्री। कीर्तिमान भव। सौभाग्यवती भव। कीर्तिमान भव पुत्र। सौभाग्यवती भव। कीर्तिमान भव। आयुष्मान भव पुत्र। अब तो वासुदेव कृष्ण भी पधार चुके हैं, इसलिए यदि मत्स्य नरेश आज्ञा दें तो हम लोग कौरवों के विरुद्ध होने वाले युद्ध की योजना पर परामर्श आरंभ करें। युद्ध? अभी से युद्ध के प्रश्न पर विचार करना तो उचित नहीं लगता। ये आप क्या कह रहे हैं मधुसूदन? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं दृष्टद्युम्न। हाँ, कुछ कहने जा अवश्य रहा हूं,
मैं भी कौरवों और पांडवों का इतिहास जानता हूं। जानता हूं कि गंधार नरेश शकुनी ने द्यूत में कैसा और कितना कपट किया, और यह भी जानता हूं कि उस कपट के कारण धर्मराज युधिष्ठिर क्या क्या हारे। वनवास की कथा भी जानता हूं और अज्ञातवास का इतिहास भी। वे पांडव जो यदि चाहें तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही को जीत लें, केवल अपने पण की मर्यादा को संभाले चुपचाप वन वन भटकते रहे। और 13वां वर्ष तो उन्होंने स्वयं मत्स्य नरेश के राजभवन में दासों जैसा व्यतीत किया। मैं ये सब कुछ जानता हूं दृष्टद्युम्न। और आप फिर भी युद्ध को उचित नहीं समझते वासुदेव? युद्ध तो अंतिम चयन होता है राजकुमार, अंतिम विकल्प होता है। और अभी महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर नरेश से यह भी नहीं कहा कि उन्होंने पण पूरा कर दिया है और इसलिए उन्हें इंद्रप्रस्थ मिल जाना चाहिए। क्या आप ये समझते हैं कि धृतराष्ट्र इनके स्वर्गीय पिता के सिंहासन पर बैठे इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज मांगे और वे इन्हें लौटा दें? मैं महाराज धृतराष्ट्र का अभिभाषक नहीं हूं नरेश, मैं तो केवल यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि पहले महाराज युधिष्ठिर का कोई दूत वहां जाए। मैं अनुज कृष्ण से सहमत हूं, युद्ध का क्या प्रश्न है? जो कुछ भी हुआ है महाराज युधिष्ठिर के द्यूत व्यसन के कारण हुआ है। तो हम गंधार नरेश शकुनी, अंगराज कर्ण और दुर्योधन को कैसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? इसलिए यही उचित है कि कोई ऐसा व्यक्ति दूत बनकर हस्तिनापुर जाए जो महाराज को युधिष्ठिर का दृष्टिकोण समझा सके, वो भी आक्रामक स्वरों में नहीं वरन नम्रता के साथ। ये रक्त संबंधियों की बात है, व्यर्थ जल बहाना भी जल का अपमान है, और आप लोग तो रक्त बहाने की बात कर रहे हैं। इसलिए जो जाए वो शांति दूत बनकर जाए, क्योंकि शांति द्वारा पाई हुई विजय ही शुभ विजय होती है और शुद्ध भी। मैं तो आपको कायर भी नहीं कह सकता हलधर बलराम, किंतु आप बातें उन्हीं जैसी कर रहे हैं। ये आलोचना नहीं है, मुझे तो इस पर आश्चर्य है कि यहाँ एकत्र वीर महावीर आपकी ये बातें चुपचाप सुन कैसे रहे हैं, सहन कैसे कर रहे हैं। मुझे कृपया ये भी बताइए कि महाराज युधिष्ठिर अपना हाथ पसारे वहां क्यों जाएं? वो भिक्षा नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। कृपया अधिकार को भिक्षा मत बनाइए। मैं शब्दों का दुरुपयोग करना नहीं चाहता, मैं दुर्योधन के साथ नम्र बनकर नम्रता का अपमान नहीं कर सकता। मैं उसे शब्दों द्वारा नहीं अपने वाणों द्वारा टोकूंगा। यदि उन्होंने धर्मात्मा युधिष्ठिर के चरण स्पर्श करके क्षमा नहीं मांगी तो मैं दुर्योधन को उसके मित्रों और शुभचिंतकों समेत यमलोक भेज दूंगा। हे बलराम, ये मेरा अभिमान नहीं बोल रहा है, परंतु आप ही बताइए कि गांडीवधारी अर्जुन का सामना उधर से कौन कर सकता है? चक्रधारी कृष्ण के चक्र का उत्तर किसके पास है? सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम को रणभूमि में देखकर किसका पित्ता पानी नहीं हो जाएगा? दृष्टद्युम्न और महारानी द्रौपदी के 5 महारथी पुत्रों के सामने कौन टिक सकता है? अभिमन्यु के प्रताप से कौन बच सकता है? उससे कौन आंखें मिला सकता है? और आप ये चाहते हैं कि ऐसे महारथियों का दूत भिखारी बनकर हस्तिनापुर जाए? मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि महारथियों की किसी भी सभा में इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं। और हे हलधर, क्या आप ऐसा ही सोचते हैं कि दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र को इंद्रप्रस्थ लौटाने देगा? क्यों नहीं लौटाने देगा? महाराज के आदेश पर द्यूत में जीती हुई सारी पांडव संपत्ति क्या उसने एक बार लौटा नहीं दी थी? और फिर वहां गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे आदरणीय महापुरुष भी उपस्थित हैं, वे न्याय करेंगे। उन महापुरुषों के न्याय की गाथा तो मेरी पुत्री द्रौपदी से सुनिए। हे मधुसूदन, आपको यह सब बदलाने की आवश्यकता नहीं कि गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और महात्मा विदुर के होते हुए भी पांडवों पर कैसे कैसे अत्याचार हुए। जब मैं अपनी पुत्री द्रौपदी के अपमान के विषय में सोचता हूं तो मेरे नसों में लहू यूं खोलने लगता है जैसे मेरे अंदर का ज्वालामुखी फटने वाला हो। पांडवों ने किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया,
उन्होंने धर्म के मार्ग का आदर किया और दुख भोगा, परंतु अब पांडवों और हस्तिनापुर की भ्रष्ट राजनीति के बीच केवल एक रणभूमि ही रह गई है, बस एक रणभूमि। ना कोई मर्यादा है, ना कोई पण। तो हे चक्रधारी, बतलाइए कि आक्रमण में विलंब का कारण क्या है? विलंब का कारण केवल एक है महाराज द्रुपद। अपने निहित स्वार्थ के लिए आक्रमण करना मानवता के मूल्यों के विपरीत है। क्या अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध मानव मूल्यों के विरुद्ध है देवकी नंदन? क्या कपटी ज्वारियों के कपट को दंड देना निहित स्वार्थ है? क्या एक सती को वेश्या कहने वाले को इस सभ्यता का दंड देना हर कुलीन व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है? है, अवश्य है। किंतु वो सैनिक जो उधर से युद्ध करेंगे, उन्होंने तो द्रौपदी का अपमान नहीं ना किया राजकुमार दृष्टद्युम्न। यहां किसी साधारण युद्ध की चर्चा नहीं हो रही है। इस युद्ध में तो इतने शव गिरेंगे कि उन्हें गिनना असंभव हो जाएगा। गिद्धों को महाभोज के लिए आमंत्रित करने से पहले हमें यह भी सोचना आवश्यक है, ये अनगिनत शव अपने कंधों पर उठाने के लिए आप तैयार हैं महाराज द्रुपद? मैं तो तैयार नहीं हूं। इसलिए पहले संधि की भाषा बोलनी चाहिए। पांडवों को पहले उनसे अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए। युद्ध की भाषा तो उन्हें बोलने दीजिए। क्या संधि प्रस्ताव को वो हमारी दुर्बलता नहीं समझेंगे मधुसूदन? वहां सभी लोग दुर्योधन की भांति नासमझ नहीं है विराट नरेश। क्षत्रिय समाज भी दुर्योधन पर अपने वचन का पालन करने के लिए दबाव डाल सकता है, और ऐसे लोगों को एक अवसर तो देना ही चाहिए, एक अवसर। हे महाराज द्रुपद, आप यहां आयु में सबसे बड़े हैं, इसलिए आप ही बताइए कि हमें वहां क्या संदेश भेजना चाहिए। शांति सदैव युद्ध से अच्छी होती है। फिर मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा मधुसूदन? पांचाली के खुले हुए केशों का क्या होगा? अब हम संधि करके इंद्रप्रस्थ लौट जाएं और द्रौपदी से यह कहें कि जीवन भर अपने केश खुले रखो। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा मानव कल्याण से अधिक मूल्यवान है कुंती पुत्र भीम? यदि आपकी प्रतिज्ञा के दामों शांति मिले तो समझिए शांति बहुत सस्ती मिली। फिर सर्वसम्मति से हम यह निर्णय ले रहे हैं कि पहले हमें महाराज धृतराष्ट्र के पास अपना एक दूत भेजना चाहिए। हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा ताजश्री। निर्णय तो एक ही लिया जा सकता है विदुर, पर सबसे पहले तुम ही उसके मार्ग में अपने किंतुओं और परंतुओं के रोड़े डालना आरंभ कर दोगे। मुझे इन शब्दों से प्रेम नहीं है ताजश्री। आप ही इन शब्दों के बिना कुछ कहने का प्रयत्न कर देखिए। जिस राज में निष्ठाएं अलग अलग डोरियों से बंधी हुई हों, उसमें इन शब्दों के सहारे के बिना जीना संभव नहीं है। आपकी विवशता तो फिर भी मेरी समझ में आ जाती है, किंतु आचार्य द्रोण और आचार्य कृप की विवशता मेरी समझ में नहीं आती। ये जाकर महाराज से ये क्यों नहीं कहते कि इससे पहले कि पांडव अपना दूत यहां भेजें, वो स्वयं अपने दूत को वहां भेजकर उन्हें आमंत्रित करे और उनका राज मुकुट उन्हें लौटा दे। क्या महाराज हमारा कहां मान लेंगे? वो महाराज जाने आचार्य, किंतु क्या उनसे निवेदन करना हम सब लोगों का कर्तव्य नहीं है? अवश्य, ये कहना हमारा कर्तव्य है। हम सब हस्तिनापुर के शुभचिंतक हैं। आप ठीक कह रहे हैं कृपाचार्य जी, परंतु फिर वही परंतु। ये आप लोग परंतुओं की मृग तृष्णा से निकलने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? ये शब्द कायरों की ढाल है आचार्य, कायरों की ढाल।
मुझे किसी ढाल की आवश्यकता नहीं है गंगा पुत्र भीष्म, परंतु मैं हस्तनापुर के राजध्वज से विश्वासघात नहीं कर सकता। भले ही वो ध्वज आपको धर्म के मार्ग से भटका ही क्यों न दे आचार्य द्रोण। मैं धर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानता हूं महात्मा विदुर, हस्तनापुर की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। आप हस्तनापुर की रक्षा नहीं कर रहे हैं आचार्य द्रोण, आप रक्षा कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा की। आप रक्षा कर रहे हैं गांधार नरेश शकुनी के कपट की। आप रक्षा कर रहे हैं करण और दुशासन की असभ्य वीरता की। आप बचा रहे हैं विष के उन कटोरों को जो यदि बच गए तो ना हस्तनापुर बचेगा और ना ही भरत वंश की मर्यादा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है आचार्य द्रोण, कुछ नहीं बिगड़ा है। हस्तनापुर की रक्षा अब हस्तनापुर के ध्वज की छाया में नहीं है। तातश्री, आप महाराज के पास चले जाइए, जाइए आप महाराज के पास और उन्हें आदेश दीजिए कि यदि वे हस्तनापुर को बचाना चाहते हैं तो पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटा दें, क्योंकि अर्जुन के वाणों की बौछार ना आपके रोके रुकेगी और ना ही आचार्यों के रोके। हां तातश्री, ब्राह्मण को डराने का प्रयत्न न कीजिए महात्मा विदुर। यह डरा नहीं रहा है आचार्य, यह बता रहा है युद्ध में आपको कोई नहीं हरा सकता, मुझे भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। परंतु क्या पांडवों को हराने में ही सचमुच हमारी जीत होगी आचार्य? यदि युद्ध हुआ तो विजय श्री का वरदान चाहे दुर्योधन को मिले या युधिष्ठिर को, मेरी आपकी और कृपाचार्य की हार तो सुनिश्चित ही है आचार्य, सुनिश्चित। क्योंकि इस युद्ध में जो घाव लगेगा वो हम ही को लगेगा और जो शव गिरेगा वो हमारा ही शव होगा, हमारा। इसलिए यदि युद्ध हुआ तो ये न हस्तिनापुर के हित में होगा न हमारे। परंतु हम करें क्या गंगा पुत्र? हम युद्ध को रोकने का प्रयत्न करें आचार्य, प्रयत्न। हम चलकर महाराज से यह निवेदन करें कि वो घड़ी भर के लिए अपने पुत्र के विषय में सोचना छोड़कर हस्तिनापुर के विषय में सोचने का कष्ट करें, पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ वापस कर दें। क्या यह उचित नहीं होगा ताश्री कि हम इस विषय में दुर्योधन से भी पूछ लें? राजा तुम हो या दुर्योधन, हस्तिनापुर की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा। किंतु दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज है ताश्री। ये किसके नीति शास्त्र में लिखा है कि युवराज की आज्ञा लिए बिना महाराज कोई निर्णय ही नहीं ले सकता? कभी कभार मीठा बोलने का प्रयत्न करके देखो विदुर। मुझे कड़वे बोल बोलने का व्यसन नहीं है भ्राताश्री, किंतु कड़वे सत्य के लिए कड़वा स्वर ही उचित होता है। महाराज की जय हो। महाराज द्रुपद के राजपुरोहित महाराज युधिष्ठिर का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए हैं और महाराज के दर्शन के अभिलाषी हैं। जो मैं नहीं चाहता था वही हुआ है। एक बात ध्यान में रखना पुत्र कि शांति का मार्ग बंद नहीं हुआ है, वो अब भी खुला हुआ है, अब भी खुला हुआ है। विदुर। आज्ञा महाराज। युधिष्ठिर के दोस्त से मैं राज्यसभा गृह में मिलूंगा। आप यहीं क्यों नहीं मिल लेते महाराज? यदि स्वयं प्रिय युधिष्ठिर यहां आया होता तो मैं उससे यहीं मिलता, परंतु किसी राजा के दूत से राज्यसभा में मिलना ही उचित होगा। कैसा दूत? किसका दूत? परंतु इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है भांजे, हम लोग कोई बहरे थोड़े ही हैं। यदि दूत आया है तो वो चला भी जाए। पिता श्री ने उसे लौटा क्यों नहीं दिया?
और उन निर्लजों ने यह नहीं सोचा कि दूध भेजने के स्थान पर उन्हें स्वयं 12 बरस के बनवास को चले जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उनके अज्ञातवास को भंग कर दिया है। धर्मराज बना फिरता है, जो हारना नहीं जानता वो खेलता ही क्यों है? और पितामह गुरु द्रोण और कृपाचार्य पिताश्री पर दबाव डालेंगे। द्योत महाराज ने नहीं जीता था, तुमने जीता था दुर्योधन। उन्हें महाराज पर दबाव डालने दो, क्योंकि महाराज तुम पर दबाव डालने से तो रहे। अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं भांजे, कांपिल्य के राज पुरोहित तुम्हारे भ्राता श्री युधिष्ठिर के दूत बनकर आए हैं। अरे पता तो चले कि उनका आदि देश क्या है, फिर देख लेंगे। अरे मामा श्री, वो बहुत सिखाया पढ़ाया हुआ आया होगा। तो यहाँ बैठे लोग कौन से अशिक्षित हैं पुत्र, हम भी उसे सिखा पढ़ा कर लौटा देंगे। किंतु पहले जो वो कहने आया है उसे ध्यान से सुन तो लो। युधिष्ठिर के चारों ओर तो एक से एक मूर्ख पड़ा है। हाँ, खटका तो केवल वासुदेव कृष्ण से है, वो बड़ा चतुर है, वो सीधे सीधे कभी युद्ध का प्रस्ताव नहीं रखेगा। और पहले तो वो शब्द जाल फेंकेगा। दूत का आदि देश जानने के उपरांत ही ये पता चल सकेगा कि वो देवकी नंदन क्या सोच रहा है। यदि तुम इस एक व्यक्ति को मार्ग से हटा लो पुत्र, तो मैं पांडवों को उनके मित्रों सहित एक अनंत अज्ञातवास के वन खंड में भटकने के लिए छोड़ आऊं। बस तुम उस मायावी कृष्ण पर दृष्टि जमाए रखो दुर्योधन, दृष्टि जमाए रखो, और अपने क्रोध के कोष को यूं ना लुटाओ अंगराज, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तो इसी क्रोध की तुम्हें आवश्यकता होगी। इसे बचा कर रखो। मैं उस वसुदेव के पुत्र कृष्ण को भली भांति जानता हूं, वो पहले अवश्य शांति का पांसा फेंकेगा। शांति का पांसा। जब जब होती धर्म को सत्य शांति की चाह, तब तब शीश अधर्म का उठे रोकने रा। राजनीति का आधार कर्तव्य का ज्ञान है, और कर्तव्य दूसरों के अधिकारों को प्रणाम करके उन्हें स्वीकार करने का नाम है। राजा का अधिकार प्रजा का कर्तव्य है, और प्रजा का अधिकार राजा का कर्तव्य। अर्थात ये यात्रा दोनों दिशाओं में होती है। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र ये जानते न हो, फिर भी उनमें जो राजा था वो पिता से दबा हुआ था, पिता के अधीन था, और पुत्र कल्याण के विषय में सोचना कोई पाप भी नहीं है, ये तो हर पिता का कर्तव्य है। प्रश्न है ये कि देश बड़ा है या पुत्र। गांधारी को भी दुर्योधन अति प्रिय था, किंतु उसने अपनी सोच की आंखों पर ममता की पट्टी नहीं बांधी, और वो कदाचित
चाहती भी यही थी कि पांडवों के साथ कोई अन्याय न हो, इसीलिए वो चिंतित थी, इसीलिए वो डर रही थी कि कहीं दुर्योधन के प्रेम के दबाव में आकर हस्तिनापुर नरेश बात बिगाड़ न दें और स्वयं हस्तिनापुर नरेश बड़ी व्याकुलता से विदुर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम महाराज। तुमने तो बहुत ही प्रतीक्षा करवाई। क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं अभी अपने निवास स्थान तक पहुंच भी नहीं पाया था कि आदेश मिलते ही लौट पड़ा। क्या क्या है? स्थान ग्रहण करो, विषय बहुत ही गंभीर है। जब तक महाराज अपना स्थान ग्रहण न करें मैं कैसे बैठ सकता हूं? हर समय सभ्यता के पाठ ना पढ़ाया करो विदुर। यहां कौन देख रहा है कि तुम अपने महाराज के बैठने से पहले बैठे हो या उनके बैठने के उपरांत? तुम्हारे महाराज के अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है, और वो भी नेत्रहीन है। आपके अतिरिक्त यहां मैं भी तो हूं। अब तो बैठोगे? जो आज्ञा। युधिष्ठिर ने दूत क्यों भेजा है? यह तो आप भली भांति जानते हैं महाराज। स्वयं वो क्यों नहीं आया? कदाचित वे महाराज को लज्जित नहीं करना चाहते थे। मैं क्यों लज्जित होऊंगा? क्या मैंने दूत में हारा हुआ सारा राजपाट उसे लौटा नहीं दिया था? द्रौपदी वस्त्रहरण के समय आप चुप भी तो रहे थे महाराज, और जो कुछ आपने लौटाया था वो लौटाना भी नहीं था। वो तो आपने द्रौपदी के शाप से बचने के लिए घबरा कर एक ढाल उठा ली थी। महादेव की सौगंध, यदि तुम मेरे अनुज ना होते तो मैं तुम्हें ये कहने पर मृत्यु दंड देता। क्या तुम महाराज भरत के इस वंशज पर कायरता का आरोप लगा रहे हो विदुर? नहीं महाराज, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। महामंत्री होने के नाते केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मंत्री का एक यह भी कर्तव्य है महाराज कि वह नरेश के क्रोध से डरे बिना उन्हें उनके हित की बातें बताता रहे। तो मुझे मेरे हित की बात बताओ। हस्तिनापुर की कुशलता में ही आपका हित है महाराज। यदि हस्तिनापुर कुशल नहीं तो फिर आपका हित भी कुशल नहीं रह सकता। हे राजन, देश राजा से नहीं होता, राजा देश से होता है। मैं ये जानता हूं, मैं ये सब जानता हूं कि राजा देश के लिए होता है, किंतु पिता किसके लिए होता है? परम पिता तो स्वयं ब्रह्मा है महाराज। जैसे वो सबके लिए है, वैसे ही राजा भी केवल अपने पुत्र के लिए पिता नहीं हो सकता। सारा जनसमुदाय उसके लिए पुत्र समान होना चाहिए महाराज। और फिर आप तो यूं भी पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री हैं। युधिष्ठिर यूं भी आपका ज्येष्ठ पुत्र है महाराज। और यदि भ्राता पांडव का स्वर्गवास न हो गया होता तो आप दुर्योधन के सिर पर राजमुकुट देखने का स्वप्न भी ना देख पाते। इसलिए हे महाराज, ताजश्री का कहा मानिए, और इससे पहले कि युधिष्ठिर का दूत अपनी मांगे प्रस्तुत करे
आप पांडवों को सकुशल रहने के साथ साथ उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। हाँ महाराज, यदि वो स्वयं आया होता तो मैं अपने हाथों से इंद्रप्रस्थ का राजमुकुट उसके शीर्ष पर रखकर उसे आशीर्वाद देता, परंतु उसने अपने ज्येष्ठ पिता के पास अपना दूत भेजा है, इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा विदुर कि मैं प्रिय युधिष्ठिर के दूत को क्या उत्तर दूं। किंतु महाराज, मुझे सोचने दो विदुर, मुझे सोचने दो। ताजश्री, ताजश्री आप अभी तक सोए नहीं? क्या तुम सो रहे हो पुत्र? क्या हस्तिनापुर के भविष्य का सपना देखने वाली कोई आंख सो रही होगी आज की रात? क्या यह साधारण बात है कि धृतराष्ट्र के पास युधिष्ठिर ने दूत भेजा है? यह बात साधारण नहीं है पुत्र, साधारण नहीं है। कान लगाकर सुनो पुत्र, और मेरे इन बूढ़े कानों को बताओ कि इस दूत के पीछे तुम्हें आने वाले प्रलय की आहट तो नहीं सुनाई दे रही? ये मेरे कान बज रहे हैं या सचमुच ये आहट है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कटे हुए शवों के खेत में अकेला खड़ा हुआ हूं? क्यों लग रहा है मुझे कि मैं अकेला इन कटे हुए शवों के खेत में हूं? क्यों? आप अकेले नहीं हैं ताजश्री। हम सब अकेले हैं पुत्र विदुर। मैं, तुम, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, सबके सब अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। और मैं यही सोच रहा था कि जो समाज अपने चिंतकों को अकेला छोड़ दे, उस समाज की अब आयु कितनी? ये प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है विदुर, अत्यंत प्रासंगिक। यदि ऐसा नहीं है तो मैं क्यों जाग रहा हूं? तुम क्यों जाग रहे हो? तुम अपने निवास स्थान पर क्यों नहीं हो? मैं तो भी अपने निवास स्थान पर पहुंचा ही नहीं दादश्री, के बीच में ही महाराज ने बुलवा लिया। बीच में ही बुलवा लिया? पर क्यों? ये बतलाने के लिए कि यदि युधिष्ठिर स्वयं यहां आया होता तो वो उन्हें अवश्य इंद्रप्रस्थ लौटा देते, परंतु उसने अपना दूत भेजा हुआ है, इसलिए उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि वे दूत को क्या उत्तर दें। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, पर इसमें सोचने का है क्या? कदाचित वो ये सोच रहे होंगे कि आचार्य द्रोण, जो 13 वर्षों से इंद्रप्रस्थ राज को संभाल रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इंद्रप्रस्थ बहुत विशाल राज्य है ताजश्री, बहुत विशाल राज्य। क्या तुम ये कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं ताजश्री, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। और फिर मैं कह भी क्या सकता हूं? कुछ कहें या न कहें आप, कि आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं। मैं ज्येष्ठ गुरु अवश्य हूं पुत्र विदुर, पर मुझे यहां ज्येष्ठ मानता कौन है? न कोई मुझसे कुछ पूछता है, न कोई मेरा कहा मानता है। मैं अरण्य में गूंजती हुई एक ध्वनि बनकर रह गया हूं पुत्र विदुर, केवल ध्वनि। हे भगवान,
मेरे हस्तिनापुर की रक्षा कर भगवान, रक्षा कर। एकांत, अब ये कौन बताएगा कि मुकुट ठीक से सिर पर जमा है कि नहीं? पहले आप इस विषय पर तो विचार कर लीजिए आर्यपुत्र, कि ये मुकुट आपके शीश पर रहेगा भी या नहीं। क्या ये तुम क्या कह रही हो गांधारी? यदि आपसे भी अपने हृदय की बात न कहूं आर्यपुत्र, तो किससे कहूं? मैं भी दुर्योधन से प्रेम करती हूं, वह हमारा ज्येष्ठ पुत्र है। यदि उसका जन्म ठीक समय पर हो गया होता तो कदाचित मेरे पुत्रों और कुंती पुत्रों के बीच जो तनाव है, इस तनाव का प्रश्न ही नहीं उठता और उसे युवराज पद पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं करना पड़ता। परंतु वो युधिष्ठिर से है तो छोटा ही, और ये राज मुकुट जो आज आपके शीश पर शोभायमान है, वास्तव में युधिष्ठिर के पिता पांडु का है। परंतु महाराज, विचित्र वीर का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, मैं। इसलिए जो अन्याय नहीं था उसे अन्याय कहते कहते आप कब थकेंगे आर्यपुत्र? जो हुआ वही ठीक था और वही होना भी चाहिए था। यदि आप तब राजा बन गए होते तो आज आप जैसे दुर्योधन के वश में हैं, वैसे आप तब किसी और के वश में रहते। इसलिए आर्यपुत्र, एक बार राजा बनकर देखिए और वो निर्णय लीजिए जो एक राजा को शोभा देता है। तुम चाहती क्या हो? मेरे चाहने की न पूछिए। मैं तो ये चाहती हूं कि भविष्य आपको अपने पूर्वजों के साथ बिठलाने में न हिचकिचाए। मैं तो ये चाहती हूं कि मेरे पुत्रों को लंबी आयु मिले। मैं तो ये चाहती हूं कि इतिहास मेरे पुत्रों का नाम उसी आदर से ले जिस आदर से वो कुंती पुत्रों का नाम लेने वाला है। किंतु लगता है कि मेरी इच्छाओं का कोई अर्थ नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं रात भर जागती रही हूं आर्यपुत्र। क्यों, क्यों जागती रही हो? मैं ये सोचती रही कि कल आप न्याय करेंगे या अन्याय। कुंती पुत्रों को उनका इंद्रप्रस्थ लौटाना ना भूलेगा आर्यपुत्र। मैं ये तो नहीं जानती कि इंद्रप्रस्थ पा लेने के पश्चात भी द्रौपदी वस्त्र हरण के उस भयानक दृश्य को वे भूल पाएंगे या नहीं। किंतु हमें प्रयत्न तो करना चाहिए कि वे भरतवंश के उस अपमान को भूल जाएं और मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें। Thank you.
अनुज पुत्र युधिष्ठिर के दूत को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। राजन आप दीर्घायु हों, आपकी प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। हे राजन, पंचाल का ये राज पुरोहित आपकी सेवा में आपके अनुज पुत्र इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का प्रणाम और संदेश लाया है। यहाँ से लौटकर प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। और अब ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा संदेश लेकर आए हैं जिसे प्रिय युधिष्ठिर स्वयं ही आकर हमसे नहीं कह सकता था। उन्होंने आपके चरण स्पर्श के लिए आने की आज्ञा ही मांगी है नरेश, और कहलवाया है कि पण के अनुसार 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वे पूरा कर चुके हैं। अब यदि उनके ज्येष्ठ पिताश्री आज्ञा दें तो आकर वे आशीर्वाद के साथ अपना राजमुकुट भी ले जाएं। कैसा राजमुकुट पुरोहित? उनके अज्ञातवास को स्वयं मैंने विराट में भंग कर दिया था और उसी के आनंद में युद्ध हार गया था। जाकर उनसे कह दो कि पण के अनुसार उन्हें हमारे कहे बिना ही 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था। पांडवों को दूत भेजते लाज तक नहीं आई। मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? मुझे विचार करने दीजिए कि मैं अपने प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए अपने आशीर्वाद के अतिरिक्त और क्या भेजूं। अज्ञातवास के विषय में कुछ उलझने हैं। कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि विराट युद्ध से पहले अज्ञातवास समाप्त हो गया था, और कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि समाप्त नहीं हुआ था। गंगा पुत्र भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य क्या कहते हैं? तुम होते कौन हो प्रश्न करने वाले? तुम केवल दूत हो, और प्रश्न करना दूत की मर्यादा नहीं है। जो आयु और ज्ञान दोनों ही में तुमसे बड़ा हो उसे तुम कहकर संबोधित करना भरत वंश के छोटों की मर्यादा नहीं है। पुत्र दुर्योधन, किसी दूत का अपमान करना किसी युवराज को शोभा नहीं देता। और कोई जब पिता से कुछ कह रहा हो तो पुत्र का बीच में बोल पड़ना पुत्र की असभ्यता सिद्ध करता है। इसलिए स्थान ग्रहण करो अपना। सभ्यता धरोहर में नहीं मिलती गंगा पुत्र। आप बड़े भाग्यशाली हैं राजपुरोहित कि आप एक ब्राह्मण भी हैं और दूत भी। यदि ना होते तो युवराज दुर्योधन का यूं अपमान करने पर दंड पाते। जाइए और जाकर सम्राट युधिष्ठिर से कहिए कि वो अभी 12 बरस के वनवास पर चला जाए। उसके समाप्ति के पश्चात देखा जाएगा। ये बड़े आश्चर्य का विषय है राजन कि आपकी राज्यसभा में केवल आप ही नहीं बोलते, शेष सभी लोगों को बोलने का अधिकार है। मैं इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की ओर से यह वचन देता हूं कि यदि गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा विदुर इनमें से कोई एक भी ये कह दे कि विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन का सामना होने से पहले उनका अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ था, तो पांडव 12 वर्ष का वनवास फिर स्वीकार करेंगे। कुलगुरु कृपाचार्य, आपके उत्तर पर इसका आधार है।
कि शांति रहेगी या युद्ध होगा। चंद्र और सौर दोनों की गणनाएं ये कहती हैं कि पांडवों का अज्ञातवास, विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन का सामना होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। कुलगुरु, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। चंद्र और सौर गणनाएं कुछ भी कहती हो, परंतु मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन ये कहता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका था, और जो मैं कहता हूं वही सत्य है। तो क्या मैं महाराज युधिष्ठिर के पास उनके संदेश के उत्तर में हस्तिनापुर का यही सत्य असत्य ले जाऊं महाराज? नहीं नहीं, आप प्रिय युधिष्ठिर से कहिएगा कि मैं शीघ्र ही अपने किसी दूत द्वारा अपना प्रस्ताव भेजूंगा। महाराज की जय हो। राज सारथी संजय उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ। जो आज्ञा। आओ संजय। आपने तो मुझे प्रणाम करने का अवसर भी नहीं दिया महाराज। इन आडंबरों के लिए समय नहीं है संजय। समय तो मुट्ठी से रेत की भांति कण कण करके सरका जा रहा है, और तुम्हारे नरेश के पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अपना निहित स्वार्थ ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काल का हाथ धीरे धीरे मेरे मुकुट की ओर बढ़ रहा है, और मेरे इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं काल की कलाई को मोड़ दूं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं महाराज? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं संजय कि नंगे से जीना मुझे आता नहीं है। नीति कुछ भी कहे, यह सिंहासन मेरा है। मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं, और इस पर मेरे उपरांत मेरे पुत्र दुर्योधन को बैठना चाहिए। भगवान आपको लंबी आयु दे महाराज। आपके उपरांत तो राजमुकुट पर युवराज का ही अधिकार है, और उनके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे, एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। इसलिए युद्ध हमारे हित में नहीं है संजय। युद्ध हमारे हित में नहीं है। तो मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे दूत बनकर उपलब्ध जाओ, और अनुज पुत्रों से कहो कि मेरा यही आशीर्वाद है कि वे जहां हैं सुखी रहें। दुर्योधन की हठधर्मी के अतिरिक्त यहां कोई उनका विरोधी नहीं है, और यंग राजकर्ण उसकी इस हठधर्मी की अग्नि को हवा देता रहता है। गंधार नरेश उसे उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। दुशासन तो उसका भक्त है, उसकी हां में हां मिलाता रहता है। और स्वयं मैं पुत्र मोह का रोगी हूं, उसकी हठें पूरी करता रहता हूं, परंतु वह पांडवों को युद्ध में हराना चाहता है। मैं उसकी यह हठ कैसे पूरी करूं? त्रिलोक में ऐसा कौन पराक्रमी है जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जैसे योद्धाओं को ललकार सके? सुनता हूं कि अभिमन्यु भी अर्जुन से कम नहीं है, और फिर सबसे कठिन समस्या तो यह है संजय कि वे सब देवकी नंदन कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कृपा छाया में है।
मैं बहुत डरा हुआ हूं संजय, बहुत डरा हुआ हूं। वे अपने वाणों की दिशा मेरी ओर तो नहीं करेंगे, क्योंकि वे मर्यादा पुरुष हैं। किंतु मेरे दुर्योधन का क्या होगा? कोई कवच अर्जुन के वाणों को तो नहीं रोक सकता। फिर ये भी तो सत्य ही है संजय कि मेरी ही राज्यसभा में मेरे पुत्र दुर्योधन ने मेरी ही कुलवधु के वस्त्र हरण का आदेश दिया था। मेरे पुत्र दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था और फिर ये भी असत्य नहीं है संजय कि कर्ण ने मेरी कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहा था। मैंने उसे दंड देना तो दूर, अपने कान तक बंद नहीं किए थे। तो अब मैं उन्हें किस मुंह से कहूं कि पुत्रों भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है। और जिस दिन अर्जुन ने विराट में उस हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया था, जिसमें स्वयं ताश्री थे, आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे, उसी दिन मेरी नेत्रहीन आंखों ने वो सपना देखना भी छोड़ दिया था कि मेरा पुत्र दुर्योधन पांडु पुत्रों को युद्ध में हरा सकता है। तो संधि के अतिरिक्त और रह क्या जाता है? परंतु दुर्योधन ये नहीं समझेगा, और यदि वो समझने का प्रयत्न भी करे तो गंधार नरेश और अंगराज कर्ण जैसे व्यक्ति उसे समझने नहीं देंगे। इसलिए हे संजय, रथ लो और उपप्लव्य जाओ और युधिष्ठिर को समझाओ। पांडवों में वही एक ऐसा है जो अपने क्रोध को जीत चुका है। उससे कहो कि उसका ज्येष्ठ पिता युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है। उसे विश्वास दिलाओ, और यदि तुम उसे यह विश्वास दिला पाए तो हस्तिनापुर राज्य और अपने नरेश पर तुम्हारा उपकार होगा। जो आज्ञा महाराज, परंतु उपकार की बात न कीजिए। यह संजय क्या उपकार करेगा हस्तिनापुर और उसके नरेश पर? मैं तो स्वयं आपकी अनुकंपा का ऋणी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और सफल होकर लौटो। प्रणाम संजय। इस सूत पुत्र के लिए आदर उचित नहीं महाराज। आदर किसी पिता के पुत्र की धरोहर नहीं है संजय। आदर व्यक्ति की संपत्ति है, और आप मेरे लिए सदैव आदरणीय रहेंगे, क्योंकि आप मेरे ज्येष्ठ पिता श्री के सारथी हैं। सारथी तो तब रहूंगा ना महाराज, जब रथ होगा। पहले मेरे निकट आसन ग्रहण करें संजय। आइए, और अब ये बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री और बड़ी मां कैसी हैं? पता नहीं, मेरी आंखों से उनके दर्शनों के आनंद का सावन कब बरसेगा। पता नहीं हम इस मृग तृष्णा से कब निकलेंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो केवल विधाता के पास होते हैं महाराज, परंतु महाराज कुशल से हैं और उन्होंने आपके लिए अपना आशीर्वाद भेजा है। मैं कैसा भाग्यवान हूं संजय कि कड़वाहटों के सागर के दूसरे तट पर खड़े हुए ज्येष्ठ पिताश्री के पास अब भी इस अनुज पुत्र के लिए आशीर्वाद है। किंतु आपने ये नहीं बताया संजय कि बड़ी मां कैसी हैं? क्या आप अपनी माता श्री के विषय में कुछ नहीं पूछेंगे महाराज? उनके विषय में क्या पूछना है संजय, वे भरत कुल वधु हैं, अवश्य सुरक्षित होंगी।
भरत वंश एक ही भूल दो बार तो नहीं कर सकता, पितामह दो बार तो चुप नहीं रह सकते, आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य दो बार एक ही अपमान को सहन नहीं कर सकते। इसलिए हे संजय, मैं माता श्री की ओर से बिल्कुल ही चिंतित नहीं हूं। हां, ये बताओ कि पितामह कैसे हैं और वो मेरा प्रिय अनुज मूर्ख दुर्योधन कैसा है? महाराज, हस्तिनापुर में हस्तिनापुर के अतिरिक्त सभी कुशल हैं। वे कुरुवंश में दरार पड़ जाने के कारण बहुत दुखी हैं। इस कारण तो हम भी बहुत दुखी हैं, किंतु ये तो आप भी जानते हैं कि दुख के इस वृक्ष का बीज हमने नहीं बोया। बीज किसी ने बोया हो महाराज, किंतु वृक्ष तो सामने खड़ा है। उस वृक्ष का नाम दुर्योधन है संजय, और हम अवश्य उस वृक्ष को काट गिराएंगे। ये तो शांति की भाषा नहीं है मजले भैया, और यदि महाराज को शांति नहीं चाहिए तो इन्होंने पांचाल राज पुरोहित को शांति दूत बनाकर क्यों भेजा था? वासुदेव ठीक कह रहे हैं अनुज, आप हमारे संदेश के उत्तर में क्या संदेश लाए हैं? संदेश सुनने से पहले भ्राताश्री, इनसे ये तो पूछ लीजिए कि ये संदेश लाए किसका है? दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र का, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का, या फिर हमारे ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र का? ये तीनों तो एक ही हैं कुंती पुत्र अर्जुन। एक कैसे हैं संजय? ये तीनों एक नहीं हैं, और यदि ये तीनों एक ही होते तो पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री और हस्तिनापुर नरेश ने गंधार नरेश को द्यूत में कपट करने से रोक दिया होता। जो महापुरुष उस कपटी द्यूत में दुर्योधन की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे वो केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र थे। जिन्होंने हस्तिनापुर का विभाजन किया वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री धृतराष्ट्र ही थे, और जो अपनी कुलवधु द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गए वो भी केवल दुर्योधन के पिताश्री ही थे। आज हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई राजा तो है ही नहीं, उस सिंहासन पर तो एक पिता विराजमान है। इसलिए पार्थ का प्रश्न मुझे तो उचित लगता है संजय। ये बतलाना आवश्यक है कि आप किसके दूत बनकर आए हैं। हे देवकी नंदन, मैं कदाचित तीनों ही का दूत हूं, और हे गिरिधर, मेरी बूढ़ी आंखें सामने जो कुछ देख रही हैं वो दृश्य शुभ नहीं है। तो हे संजय, कृपया पहले यही बताइए कि आपकी अनुभवी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो केवल एक युद्ध देख रही है मधुसूदन, और युद्ध भी कैसा, एक ओर सम्राट युधिष्ठिर के ध्वज और आपके आशीर्वाद की छाया में पांचाल नरेश द्रुपद, युवराज धृष्टद्युम्न, गांडी उधारी अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, महारथी नकुल, सहदेव, महारथी अभिमन्यु, और दूसरी ओर हस्तिनापुर ध्वज तले गंगापुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य अश्वत्थामा, और स्वयं दुर्योधन और दुशासन और अंगराज कर्ण जैसे महारथी। हे केशव, मुझे तो इन दोनों सेनाओं में से कोई भी सेना हारती हुई नहीं दिखाई देती। तो क्या यह होगा मधुसूदन कि इच्छा मृत्यु की लकड़ी का सहारा लिए गंगापुत्र भीष्म भरतवंश के शवों के बीच अकेले खड़े रह जाएंगे? आपकी अनुभवी आंखें यहीं तो धोखा खा गईं संजय। हे राजदूत संजय, जब दो सेनाएं युद्ध करती हैं तो उनमें से एक की पराजय तो निश्चित है। परंतु मैं क्या करूं वासुदेव कृष्ण, इन दोनों सेनाओं में से पराजय चाहे किसी की हो, मेरा हृदय तो अवश्य लहूलुहान होगा। हे केशव, मैंने इन सारे राजकुमारों को अपनी गोदी में खिलाया है, इन सबका बालपन देखा है, मैं इनके शव देखना नहीं चाहता। नहीं, किंतु युद्ध की बात कौन कर रहा है संजय, हम तो स्वयं ही कोई विकल्प खोज रहे हैं। शांति का एक मार्ग अब भी बचा है, ज्येष्ठ पिताश्री यदि हमें इंद्रप्रस्थ लौटा दें
तो हम और सब कुछ भूल जाने का प्रयास कर सकते हैं। बड़े भैया आप अपने बड़े भाई को बीच में टोका नहीं करते प्रिय अनुज। यदि हम युद्ध चाहते संजय तो दूत क्यों भेजते? तब तुम सेना लेकर आते और हस्तिनापुर के द्वार खटखटाते। इसलिए कृपया ये बताइए कि ज्येष्ठ पिताश्री ने हमारे प्रस्ताव के उत्तर में क्या प्रस्ताव किया है। मैं कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं महाराज, मैं तो केवल एक आशीर्वाद लेकर आया हूं। मेरे महाराज ने कहा है कि आप सब तो धर्मशील हैं, जहां हैं वहीं सुखी रहें। तो हे संजय, हम उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। उनसे कहना कि इंद्रप्रस्थ में हमारी आत्मा है और हम वहीं सुखी रहेंगे। और हे संजय, हस्तिनापुर के ध्वज तले खड़े होने वाले जिन महारथियों के नाम तुमने लिए हैं वे सभी आदरणीय हैं और विराट में अर्जुन से युद्ध भी कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य के युग में जन्म लिया। इनके चरण स्पर्श हमारे लिए पूजा है, परंतु इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि यदि वे अधर्म के ध्वज तले खड़े हों तो हम अधर्म और अन्याय को प्रणाम करके अपने अधिकार छोड़ दें। दुर्योधन अनुज है, आए प्रणाम करे और कहे कि भ्राता श्री मुझे इंद्रप्रस्थ दे दीजिए तो कदाचित मैं उसे इंद्रप्रस्थ भी दे दूं। परंतु उससे कहिएगा कि वो हमें अपने गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण की धमकी देने की भूल ना करे। दुर्योधन का अहंकार तभी तक है जब तक वो भीम की गदा के सामने नहीं आता। इसलिए हे संजय, ज्येष्ठ पिताश्री से यह अवश्य कह देना कि उनके अनुज पुत्र युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। यदि वे युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा और यदि वे शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। धर्म तुला में आ पड़ा युद्ध शांति का भार, देखें अब क्या होत है युद्ध खड़ा उस पार। भूले जब घर के बड़े सत्य शांति का सार, धर्म राज का धर्म भी फंसे बीच मंझधार। मैं तो समय हूं, दुख और सुख मेरे दो किनारे हैं जिनके बीच में मैं बहता रहता हूं। मेरे पास न अपना कोई दुख है और न ही अपना कोई सुख, न मैं हंसता हूं और न मैं रोता हूं, परंतु चूंकि मुझे अगली पिछली तमाम बातें मालूम हैं इसलिए कभी कभार मेरा ये ज्ञान मेरे होठों पर हंसी जैसी या मेरी आंखों में आंसू जैसी कोई चीज लाता ही रहता है। आज मैं एक ऐसे ही मोड़ पर हूं। भरत वंश जैसे आदरणीय वंश की ये दुर्दशा, सीवने टूटी जा रही हैं और कोई ऐसा नहीं जो इस बिखराव को रोक सके। धृतराष्ट्र, विराट में कौरवों की पराजय के बाद विजय के सपने तो नहीं देखता, पर राजनीति के खजाने पर सांप की तरह बैठा रहना अवश्य चाहता है और इतिहास को ये मंजूर नहीं है। लेकिन सबको उसकी आहट से पहचान लेने वाला धृतराष्ट्र इतिहास की आहट नहीं सुन रहा है, या शायद उसकी महत्वाकांक्षा उसे इतिहास की आहट सुनने ही नहीं दे रही है। इसीलिए
वो युद्ध से घबरा तो रहा है लेकिन शांति के लिए तैयार भी नहीं है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या है? हे कृपा मूर्ति, राज सारथी संजय दर्शन के अभिलाषी हैं और द्वार पर खड़े आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय बुलाओ उन्हें। मेरे कक्ष में बिना आज्ञा लिए और बिना प्रतीक्षा किए आने का अधिकार है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो? क्या कहा युधिष्ठिर ने? महाराज, उन्होंने कहा कि धर्म से उत्तम कोई संपत्ति नहीं और धर्म के पालन में ही संपूर्ण आनंद है। महाराज, इस यात्रा में मैंने भी सोच विचार किया और उस सोच का परिणाम क्या निकला मित्र संजय? मैंने यह परिणाम निकाला महाराज कि देर से बोला जाने वाला सत्य असत्य से अधिक हानिकारक होता है। तो फिर सत्य बोलो संजय, मुझे सत्य सुनना आता है। क्या है तुम्हारा सत्य? राजन, आपका कर्म आपके धर्म के मार्ग को काट रहा है। आपने अपनी आत्मा को पुत्र मोह के भाले से घायल कर दिया है। आपकी आत्मा लहूलुहान है स्वामी, उसकी सेवा कीजिए। तुम भी मुझे पर आरोप लगाने लगे? नहीं महाराज, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये तो केवल एक विवरण है। यदि इस जन्म में मुझसे नहीं सुनेंगे तो अगले जन्म में आपको इतिहास से यही वक्तव्य बार बार सुनना पड़ेगा महाराज। महाराज, हस्तिनापुर के भविष्य को दांव पर मत लगाइए। आप औरों का कहा मान लेते हैं और शुभचिंतकों की बात नहीं मानते। पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दीजिए, इसी में युवराज की भलाई भी है। क्या युधिष्ठिर ने युद्ध की धमकी दी है? नहीं नहीं महाराज, धमकी देना तो उनका स्वभाव नहीं है। उन्होंने तो बस ये कहा कि संजय, ज्येष्ठ पिताश्री से कहना कि उनके अनुज पुत्र शांति और युद्ध दोनों ही के लिए तैयार हैं। यदि आप युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध होगा और यदि आप शांति चाहेंगे तो शांति रहेगी। तुम्हें इस लंबी यात्रा ने थका दिया होगा संजय, जाओ विश्राम करो। जो है महाराज। सेवक। प्रणाम महाराज। किसी को भेजो के विदुर को बुला लाएं। जो आज्ञा महाराज। जयश्री ने इस समय क्यों बुलाया? जयश्री ने नहीं बुलवाया है भाग्यवान, महाराज ने बुलवाया है। किंतु इस समय क्यों? ये तो वहां पहुंचने के पश्चात ही पता चलेगा। अच्छा, ये
प्रणाम महाराज। ये राज्यसभा नहीं है विदुर, यहां एकांत में तो मुझे भ्राताश्री कह लिया करो। जो आ गया महाराज। बैठो। संजय युधिष्ठिर के पास से होकर लौट आया है। उसने युधिष्ठिर के सारे सुझाव नहीं बताए। अधिक समय उसने मुझे दोषी ठहराने में गवा दिया। युधिष्ठिर के सारे सुझाव कल राज्यसभा में सुनाए जाएंगे। परंतु संजय के साथ ही मेरी नींद भी चली गई। जिसे आप संजय का दोष लगाना ठहरा रहे हैं भ्राताश्री, वो आपके प्रति उनका शुभचिंतन रहा होगा। उन्होंने जो कुछ कहा होगा अवश्य ही आपके हित में कहा होगा, और आपके सारथी होने के नाते वो सब कुछ कहकर उन्होंने अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन किया है। हे भ्राताश्री, आपने केवल बार बार पांडवों ही के साथ अन्याय किया है। तनिक सोचिए महाराज, क्या आपने स्वयं अपने राज्य का विभाजन करके अपने दुर्योधन और अपने हस्तिनापुर के साथ कैसा घोर अन्याय किया है। राजा होने के नाते राज्य की सीमा का आदर करना आपका कर्तव्य था। आपने विभाजन करके राजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है महाराज। परंतु युधिष्ठिर चुपचाप इस अन्याय को सह गया, चुपचाप इस अन्याय को सह गया, और आपने यह विभाजन हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया। आपने दुर्योधन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया था। आप उसे राजा बनाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हैं? मैं ये नहीं जानता भ्राताश्री, क्या हस्तिनापुर आपको इस विभाजन के अपराध के लिए कभी क्षमा कर भी पाएगा या नहीं। और तुम मैं तो आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। और कदाचित आप भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे भ्राताश्री। मेरी मां आपकी माताश्री की दासी थी। मैं तो बंधा हुआ हूं दासत्व की टूरी से महाराज, बंधा हुआ हूं। अब आप न्याय करें या अन्याय, मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। बोलते रहो, आज तुम्हारे कड़वे स्वर मुझे उतने कड़वे नहीं लग रहे हैं। और क्या किया मैंने? आपने और जो कुछ किया भ्राताश्री, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। फ्लाक्षग्र, द्यूत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्रहरण, ये सब बड़ी दुखद यादें हैं भ्राताश्री, दुखद यादें हैं, और भुलाई भी नहीं जा सकती। क्या कभी आपकी आत्मा के आंगन में द्रौपदी की आर्त पुकार नहीं गूंजती? क्या उसके उठाए हुए प्रश्न आपको बिच्छू की भांति डंक नहीं मारते?
इसलिए हे भ्राताश्री, आप पुत्र मोह की ओर से ध्यान हटाकर देश प्रेम के मार्ग पे कान धरिए। न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। और यदि पांडव इंद्रप्रस्थ लेकर द्रौपदी के अपमान को भूल जाएं, तो उनका आभार मानिए। धर्म की सुरक्षा चक्र में आ जाइए भ्राताश्री, क्योंकि यदि युद्ध की ठहरी तो न यह हस्तिनापुर बचेगा और नहीं यह कुरुवंश। हे महाराज, अपनी महत्वाकांक्षा को धिक्कार दीजिए, क्योंकि वही आपकी शत्रु है। और अपने शत्रु के निवास स्थान पर अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। चुप क्यों हो गए? बोलते रहो। अंत में केवल यही कहना है महाराज कि अपने स्थान पर अपने पुत्र मोह को सोचने मत दीजिए। हस्तिनापुर आपका दायित्व है, आपका। और दुर्योधन? वो आपका दायित्व नहीं है महाराज, वो आपका रोग है, रोग। दुविधा में धृतराष्ट्र है, राजा बने के बाप, राजा का यही पुत्र मोह बना राष्ट्र का शाप, बना राष्ट्र का शाप। महाराज की जय हो। वहां से क्या प्रस्ताव लाए संजय? महाराज, युधिष्ठिर ने प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए सादर प्रणाम और अनुजों के लिए स्नेह का उपहार भेजा है। महाराज, काम की बात करो राज सारथी संजय। धैर्य से काम लो पुत्र दुर्योधन, धैर्य से काम लो। मेरे धैर्य का कोष रिक्त हो चुका है मामा श्री, अब मैं गदा से काम लेने की सोच रहा हूँ। गदाएं उधर भी हैं पुत्र दुर्योधन। जानता हूं पितामह, किंतु यदि पांडवों ने बारह बरस के वनवास को स्वीकार नहीं किया तब तो गदाओं को टकराना ही पड़ेगा। पहले ये तो सुन लो युवराज कि पांडु पुत्र ने क्या संदेश भेजा है। आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं कुलगुरु, वो टल नहीं सकता, क्योंकि मैं युद्ध को टलने नहीं दूंगा। यह पांडव केवल मेरी गदा और मेरे मित्र कर्ण के वाणों की भाषा समझते हैं। सुनाओ राज सारथी, उपप्लव्य से क्या समाचार लेके आए हो? हे महाराजाधिराज, मैंने आपका संदेश ज्येष्ठ कुंती पुत्र को दिया। वहां और कौन कौन था? पांडु परिवार के अतिरिक्त विराट नरेश थे, पंचाल नरेश द्रुपद थे, युवराज धृष्टद्युम्न थे और वासुदेव कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने कहा क्या? पहले मैं वो बताता हूँ महाराज जो कुंती पुत्र अर्जुन ने युवराज दुर्योधन के लिए कहलवाया था। युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर या युधिष्ठिर की आज्ञा लिए बिना? ज्येष्ठ कुंती पुत्र ने उन्हें टोका तो नहीं था महाराज। तो फिर बताओ अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश भेजा है? अर्जुन ने मुझसे कहा था महाराज कि हे संजय, उस असभ्य सूत पुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपने कपट, अपनी असभ्यता और अपने अहंकार के कारण
वो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए हे संजय, उस मूर्ख को समझाना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सुगंध जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरु सेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। भोज सारथी, तुम संदेश सुना रहे हो या ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो? ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो गंगापुत्र भीष्म है युवराज। जानता हूँ कुलगुरु कि ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो पितामह है। मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये घोषणा भी करता हूँ कि यदि पिताश्री ने किसी को मेरा उत्तर लेकर अर्जुन के पास नहीं भेजा तो मैं स्वयं उपप्लव्य जाकर उसके असभ्य जीव खींच लूंगा और उसकी प्रत्यंचा बना लूंगा। धीरज पुत्र, धीरज। धीरज और धैर्य जैसे शब्द मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री। वत्स दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने धर्म और अर्थ दोनों ही से अपना नाता तोड़ दिया है। तुम ही कुरुवंश की पतनशीलता का कारण हो पुत्र, तुम ही। और अब भी यदि तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो समझ लो पुत्र कि अपने महारथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है। हे पुत्र दुर्योधन, तनिक सोचो तो। तुम केवल तीन व्यक्तियों की ही बातें सुनते हो। उनमें से पहला है गुरु परशुराम द्वारा शापित ये सूत पुत्र कर्ण, और दूसरा है ये गंधार नरेश कपटी शकुनी, और तीसरा तुम्हारा दुराचारी अनुज दुशासन। क्या इस भरी सभा में सबके सामने यूं मेरी निंदा करना आवश्यक था आदरणीय पितामह? क्षत्रिय धर्म के पालन के अतिरिक्त और मैंने किया क्या है? मैंने यही शपथ ली है ना कि मैं अपने मित्र दुर्योधन के शत्रु पांडवों का वध करूंगा। और आप ही बताइए कि मैं ये शपथ नहीं लेता तो क्या करता? मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता पितामह, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, योद्धा हूं मैं, और केवल धनुष की भाषा जानता हूं। हे पितामह, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा केवल महाराज और युवराज दुर्योधन के प्रति है। निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यहां दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण। तुम तो जिस छतनार वृक्ष की छाया में बैठे हो उसी की जड़े काट रहे हो, और अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा भी कहे जा रहे हो। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, ना भड़काओ। तुम हो ही क्या, और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काट कर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा। हे महाराज, मेरी विनती सुनिए। दुर्योधन की आत्मा में घुसा हुआ शकुनी दुशासन और कर्ण का ये त्रिशूल निकाल फेंकिए महाराज, निकाल फेंकिए। नहीं तो पूछिए इस कर्ण से कि उस समय कहां था जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। युद्ध की बात करना और बात है महाराज, किंतु युद्ध करना और बात। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों की आयु लंबी हो तो उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए महाराज। कभी नहीं पितामह, कभी नहीं। पहले वे 12 बरस के वनवास को स्वीकार करें और तब आए। आपके विचार में हमें क्या करना चाहिए आचार्य द्रोण? यदि महाराज युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध अवश्य होगा, किंतु मेरे विचार से गंगा पुत्र भीष्म का प्रस्ताव स्वीकारनीय है। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो, जिसके पक्ष में भीम की गदा हो, जिसके हाथ में युधिष्ठिर का भाला हो। गुरुवर, यदि हमारे शिविर में आप जैसे पांडवों के शुभ चिंतक होंगे तब तो हम युद्ध करने से पहले हार जाएंगे। जब हम बोल ही नहीं सकते हैं महाराज, तो हमारा इस साथ सभा में होने का तात्पर्य क्या है? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, जो शिष्य अपने गुरु का आदर करना नहीं जानता उसका तो कोई भविष्य नहीं है महाराज, कोई भविष्य नहीं है। जब आप आदेश देंगे तो रणभूमि में अवश्य आ जाऊंगा और उस अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करूंगा जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। आचार्य, मेरे हस्तिनापुर को छोड़कर न जाइए आचार्य, ना चाहिए।
मैंने आपका विचार जान लिया है आचार्य विराजी। अर्जुन तो अग्नि शिखर है संजय, उसके कहे से मन क्या मैला करना। तुम ये बताओ कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या प्रस्ताव भेजा है। यूं भी द्यूत में वत्स अर्जुन नहीं हारा था, स्वयं युधिष्ठिर हारा था, तो उनकी ओर से निर्णय लेने का अधिकार भी केवल उसी को है। क्या वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है? यदि हां तो यह भी बताओ क्या वहां कोई ऐसा भी था जो युद्ध के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था? वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त वहां कोई शांति की भाषा नहीं बोल रहा था महाराज। मैं युधिष्ठिर के रोष और वासुदेव की शांति के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरता संजय। क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि वे युद्ध चाहते हैं? उनके पास दो ही विकल्प हैं महाराज, इंद्रप्रस्थ या युद्ध। युद्ध में तो हमारी पराजय निश्चित है संजय। इंद्रप्रस्थ दे देना भी पराजय ही है पिताश्री। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र तक अपने 100 पुत्रों के शव देख रहा है संजय, परंतु मैं क्या करूं? यदि इंद्रप्रस्थ मेरे पास होता तो मैं अवश्य प्रिय पांडु पुत्रों को दे देता, परंतु इंद्रप्रस्थ तो दुर्योधन के पास है संजय, इसलिए लगता है कुरुवंश को अपना दुर्भाग्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। इतनी रात गए कैसे आना हुआ मित्र? क्या मित्र के निवास पर समय देखकर जाया जाता है? मैं तो बहुत पहले आ गया होता मित्र, परंतु अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के पश्चात ही आना चाहता था। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। काहे के लिए? आज राज्यसभा में पितामह ने जो तुम्हारा अपमान किया उसके लिए। यदि किसी सूतपुत्र को सूतपुत्र कह दिया जाए तो इसमें अपमान कैसा? अपमान तो उन्होंने तुम्हारा और दुशासन का किया है, परंतु वो तुम्हारे पितामह हैं। तुम लोगों से कुछ भी कह सकते हैं, पर वो मेरे विषय में एक बात याद रखना भूल गए कि विराट युद्ध में मेरे 13 वानों ने उनके प्रिय गांडीवधारी अर्जुन को भी भेद कर रख दिया था, किंतु उन्हें केवल मेरे घाव दिखाई दिए। अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तो मेरा अब होगा और इतिहास साक्षी होगा, और वही आने वाले युगों को बताएगा कि तुम्हारा मित्र करण क्या था और कैसा था। इसलिए तुम मेरी चिंता न करो मित्र। यदि पितामह द्वारा मेरा अपमान हुआ भी तो इस समाचार ने उस अपमान के घाव पर स्नेह लेप लगा दिया, क्योंकि पांडवों से अब युद्ध की तो ठहर ही गई है। मैं तो फिर भी यही कहूंगा। मामा श्री, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। युद्ध आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। आपके षड्यंत्रों के कारण हम लोग भरत वंश के इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। युद्ध का निर्णय लिया जा चुका है और मैं योद्धाओं की भांति चैन से सो सकूंगा। अरे मैं तो युद्ध को इसलिए टाल रहा था भांजे कि पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है,
परंतु तुम वो उपाय नहीं करोगे वो उपाय, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जीजा श्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप किसके आगे हाथ फैलाने को कह रहे हैं मामा श्री, मुझे बताइए ना। मैं भ्राता श्री की ओर से उनके आगे हाथ फैला लूंगा। नहीं, ऐसे विषयों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता पुत्र, नहीं चलता। किंतु यदि ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। यदुवंशी बड़े शक्तिशाली हैं, उनकी सेना भारतवर्ष की सबसे उत्तम सेना है। हाँ, यदि युद्ध हारना चाहते हो तो ना जाओ वासुदेव के पास, परंतु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र, नहीं कर सकते वासुदेव की उपेक्षा। जाओ वासुदेव के पास अभी। अरे पार्थ, तुम कब आए? पहले मैं आया हूं। अच्छा, तो आप भी आए हैं, किंतु मैंने तो पहले पार्थ ही को देखा। नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूं कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया। ये सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है, आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूं और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ, ये तो है। और फिर इसलिए कि पहले मैं आया हूं। हाँ, ये भी ठीक है, पहले आए तो आप ही, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को, अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी। किंतु आप हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन, मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। अब एक ओर मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं, केवल मैं निहत्था और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है? मुझे है, क्योंकि पहले मैं आया हूं। नहीं, पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है, क्योंकि ये आपका अनुज है। तो बताओ पार्थ,
नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव, मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूं। हाँ हाँ, दाऊ को प्रणाम करना तो आवश्यक है। अच्छा ये तो बताओ पार्थ, कि जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे? वासुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो, अपने आप को जिसे सौंप कर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है वासुदेव? आप सारी दिशाएं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं। आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वासुदेव। हे केशव, आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, केवल नारायण। पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। ये तो मेरा सौभाग्य है वासुदेव, आज मेरी विजय निश्चित हो गई। परंतु दाऊ से सहायता मांगना न भूलना। नहीं अर्जुन, नहीं, दुर्योधन भी सहायता के लिए आया था। मैंने उससे भी यही कहा कि भाइयों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। कौन सच्चा है और कौन सच्चा नहीं है, इस पर वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो शव गिरेंगे वो तो एक ही परिवार के होंगे ना। अतः इस युद्ध में ना तो मैं दुर्योधन के साथ में हूं और ना ही तुम्हारे, इसलिए ना मैंने दुर्योधन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया है और ना ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मामाश्री, पहले तो मैं बहुत घबराया कि अर्जुन इस अफसर को हाथ से जाने नहीं देगा और वो उस नारायणी सेना को मांग लेगा। परंतु मामाश्री, अर्जुन तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बोला कि मैं इस नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूं और उसने उस निहत्थे वासुदेव को मांग लिया। तब मैंने मुंह लटका के कहा कि ठीक है, मुझे ही नारायणी सेना दे दो, मैं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अरे ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें भांजे दुर्योधन, बड़ा महंगा पड़ेगा। वो मायावी कृष्ण निहत्था हो चाहे ना हो, हर सेना पर भारी है, भारी है हर सेना पर। इन बातों का यही तात्पर्य है ना कि अब युद्ध का कोई विकल्प नहीं? आप धर्मराज हैं बड़े भैया, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता न दिखाइए। प्रश्न शीघ्रता या विलंब का नहीं है वासुदेव, यह तो स्वयं आप भी देख रहे होंगे कि आरंभ से ही युद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं खुला है। यह दूतों का आना जाना तो केवल तर्क वितर्क की क्रीड़ा है। अधिक से अधिक ये कि आप ये नहीं चाहते कि आक्रमण का आरोप पांडवों के सर लगे। आक्रमण का आरोप पांडवों के सिर क्यों और कैसे होगा पिताश्री? क्या द्यूत में कपट इन्होंने किया था? क्या द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश इन्होंने दिया था? युद्ध इनका विकल्प नहीं, अधिकार है। युद्ध तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता शिखंडी। मेरा प्रस्ताव यह है कि यदि आप सब लोगों को मुझ पर विश्वास हो तो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर मैं जाऊंगा। आप पर विश्वास न होने का प्रश्न ही नहीं देवकी नंदन,
यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। जहां हमने इतने दिनों तक अपमान का विष पिया है, कुछ दिन और पी लेंगे। योद्धा केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं मजले भैया, उन्हें युद्ध के लिए व्याकुल होना शोभा नहीं देता। ये न भूलिए कि कल इतिहास आज के योद्धाओं को अपने मूल्यों की तुला में तोलेगा, और इतिहास न आपका संबंधी है और न ही दुर्योधन का। क्या आप ये चाहेंगे कि इतिहास की तुला में तुलते समय आपका पलड़ा हल्का पड़ जाए? मैं शांति विरोधी नहीं हूं वासुदेव, किंतु आपके और शांति के बीच किंतु जैसे शब्द को न बैठने दीजिए मजले भैया। तो यह निश्चित है कि शांति दूत बनकर हस्तिनापुर मैं जाऊंगा। भाई भाई में युद्ध न हो और रहे धर्म का मान, चले शांति प्रस्ताव ले स्वयं कृष्ण भगवान। सीख हम बीते